नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं लॉ ज्ञान चैनल और मैं हूं सुप्रीम अरिशुकी। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान जेएलओ परीक्षा की पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। पहले दो प्रश्न पत्रों को आप विभिन्न वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम पेपर थर्ड को डिस्कस करेंगे और पेपर थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एविडेंस एक्ट होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, लिमिटेशन होता है, प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग होता है। इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपको एक तो एविडेंस की तैयारी करने से पहले ये पता चल जाएगा कि एविडेंस एक्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो भी आपका सही होगा। सन 2013-14 का ये जेएलओ का पेपर है। आइए एविडेंस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही योग नहीं है? स्वीकृत की परिभाषा धारा 17, साक्ष्य अधिनियम धारा 45, चरित्र की परिभाषा धारा 55 और सामान्य अधिकार व प्रथा धारा 13। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा जो है सामान्य अधिकार और प्रथा, ये धारा 13 में नहीं है, इसकी दूसरी धारा है। कौन सी धारा है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, प्रीवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृत की परिभाषा दी गई थी मिर्जा अकबर बनाम एम्परर, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, पाखला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, और अगला है पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर। अब इसका आंसर है पाखला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। इस बार जो 2018 में UPPCSJ हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चन एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो का आप बहुत ध्यान से 2 से 3 बार देखिए ताकि अगर रिपीटेड क्वेश्चन आए तो वह आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है धारा 23, दूसरा ऑप्शन है धारा 27, तीसरा है धारा 53 और चौथा है धारा 133। इसका आंसर है धारा 23। धारा 23 में हेडिंग में लिखा हुआ है कि केवल सिविल मामलों में सुसंगत। अगला है, स्वीकृत करने वाले के विरुद्ध ही साबित की जा सकती है, यह नियम उपलब्ध है धारा 19 में, धारा 20 में, धारा 21 में या धारा 22 में। तो धारा 21 में यह नियम उपलब्ध है कि स्वीकृत करने वाले के विरुद्ध ही साबित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त की पूर्व दोषिति किसी विशिष्ट मानसिक स्थिति को बताने के लिए सुसंगत होती है, धारा 8 की व्याख्या 2 में, धारा 14 की व्याख्या 2 में, धारा 54 की व्याख्या 2 में और धारा 14 की व्याख्या 1 में। तो इसका आंसर है धारा 14 की व्याख्या 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रतिकूल प्रभाव के की गई स्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण नहीं होगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान के कारण, 22 के प्रावधान के कारण, 24 के प्रावधान के कारण या 21 के प्रावधान के कारण। इसका आंसर है धारा 25 के प्रावधान के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक अभियुक्त की संस्वीकृति उसके सहअभियुक्त के विरुद्ध ग्रहण हो सकती है, यदि उसका संयुक्त विचारण हो रहा है परंतु उसी अपराध के लिए नहीं, यदि उनका एक ही अपराध के लिए विचारण हो रहा है परंतु संयुक्त रूप से नहीं, यदि उनका अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग विचारण हो रहा है, यदि उनका एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा है। तो इसका आंसर है यदि उनका एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? धारा 32 में व्यक्ति का कथन सुसंगत होगा, यदि वह मर गया है सुसंगत होगा, यदि वह मिल नहीं सकता इसमें भी सुसंगत होगा, यदि वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया तो भी सुसंगत होगा, यदि वह अपना कथन देने हेतु आना नहीं चाहता, अर्थात इसमें धारा 32 में यह कोई प्रोविजन नहीं है, अर्थात यही कथन सही नहीं है, यदि वह अपना कथन देने है तो आना नहीं चाहता तो धारा 32 में उसका कथन सुसंगत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीय साक्षी नहीं है? सत्यापित प्रतिलिपि, मूल से बनाकर उससे तुलना की गई प्रतियां, दस्तावेज स्वयं या उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलिपि। तो डॉक्यूमेंट इट्सेल्फ प्राथमिक साक्ष्य अर्थात प्राइमरी एविडेंस होते हैं, ये द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धारा 32 में स्वामित्विक व सांपत्तिक हित के विरुद्ध कथन सुसंगत होगा, उपधारा 1 में, उपधारा 2 में, उपधारा 5 में, उपधारा 4 में। तो इसका आंसर है उपधारा 5 में। अगला है, अन्य व्यक्तियों की राय बिल्कुल भी सुसंगत नहीं होती, हमेशा सुसंगत होती है, सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होती। तो अन्य व्यक्तियों की जो राय है वो उसकी सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। अगर न्यायालय के विवेक से लगता है कि ये चीज मामले के लिए सुसंगत है तो ही न्यायालय उसको कंसिडर करेगा। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक मामलों में चरित्र का साक्ष्य अग्रहा है, सदैव ग्रहा है, अभियोजन
अभियुक्त के बुरे चरित्र का साक्ष्य दे सकता है, अभियुक्त अच्छे चरित्र का साक्ष्य दे सकता है एवं अभियोजन केवल जवाब में बुरे चरित्र का साक्ष्य दे सकता है। तो इसका आंसर होगा अभियुक्त अच्छे चरित्र का साक्ष्य दे सकता है एवं अभियोजन केवल जवाब में बुरे चरित्र का साक्ष्य दे सकता है। अगला क्वेश्चन है चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है केवल ख्याति का साक्ष्य, केवल स्वभाव का साक्ष्य, वे विशिष्ट कृति जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित होता है, सामान्य ख्याति या सामान्य स्वभाव। तो चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव। अगला क्वेश्चन है न्यायिक अवेच्छा से अभिप्राय है न्यायालय द्वारा दिया गया नोटिस, न्यायालय को दी गई जानकारी, साक्ष्य की अपेक्षा करना, किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना या सत्य मानना। तो न्यायिक अवेच्छा जो होती है जुडिशियल नोटिस, वह किसी बात को बिना सबूत अस्तित्व में मानना या सत्य मानना होता है। अगला क्वेश्चन है न्यायालय द्वारा अवेच्छड़ी तथ्यों की सूची उपलब्ध है साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 में, 57 में, 58 में या 60 में। तो इसका आंसर है धारा 57। धारा 57 उन चीजों की सूची बताती है जो जुडिशियल रूप से नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य से संबंधित नियम उपलब्ध है साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में, 58 में, 62 में, 64 में। धारा 60 में प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य से संबंधित नियम उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना है निम्नलिखित में से दस्तावेज के किस भाग के बारे में न्यायालय द्वारा सत्य होने की उपधारणा नहीं की जाएगी। हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा की जाती है, दिनांक के बारे में उपधारणा की जाती है, हस्तलेख के बारे में भी उपधारणा की जाती है, लेकिन उसके अंतर्वस्त्र के बारे में उपधारणा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है लोक दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है मूल द्वारा, प्रमाणित प्रति द्वारा, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, तैयार प्रति द्वारा या दस्तावेजों को देखने वाले के मौखिक ब्यौरे द्वारा। तो लोक दस्तावेजों को प्रमाणित प्रति द्वारा ही साबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसके लिए अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है साबित किया जा सकेगा। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसके लिए अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है साबित किया जा सकेगा। कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर दोनों ही अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाना होगा। दस्तावेज साबित नहीं किया जा सकता बिना अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाए, बिना अनुप्रमाणक साक्षियों को बुला ही उसको साबित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है मुख्तारनामा से संबंधित उपधारणा है विधि की खंडनीय उपधारणा, तथ्य की उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा, विधवा तथ्य, दोनों प्रकार की उपधारणा। मुख्तारनामा मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रजम्पशन रिगार्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी इज विधि की खंडनीय उपधारणा, अ प्रजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिफ्यूटेबल। अगला क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत उपधारणा संबंधित नहीं है दस्तावेज के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादन से, किसी व्यक्ति के हस्तलेख या निष्पादन से, दस्तावेज के अनुप्रमाणन से, दस्तावेज के अंतर्वस्त्र की सत्यता से। तो इसका आंसर होगा दस्तावेज के अंतर्वस्त्र की सत्यता से। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज के पक्षकारों के मध्य उनके निबंधनों में हेराफेरी करने वाले समकालीन करार को दर्शित करने वाले तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है केवल वादी द्वारा, केवल प्रतिवादी द्वारा, दोनों ही पक्षों द्वारा, अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनका इसके द्वारा उनका हित प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है विवाहित व्यक्तियों के मध्य संसूचना संरक्षित रहती है यदि यह विवाह के जारी रहने के दौरान की जाती तथा बाद में विवाह विच्छेद हो जाता है, यदि यह विवाह के पूर्व जाती है परंतु बाद में विवाह विच्छेद होता है, यदि विवाह विच्छेद के पश्चात की जाती है, एक बात हो दोनों, यदि विवाह के जारी रहने के दौरान की जाती है और बाद में विवाह विच्छेद हो जाता है तो भी विवाहित व्यक्तियों के मध्य जो संसूचना है वह संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था, लॉर्ड मैकाले ने, हक्सले ने, सर जेम्स स्टीफन ने या सर हेनरी मैन ने। तो आंसर आपको पता होना चाहिए सर जेम्स एफ स्टीफन ने इसका प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है लैक्स टेनिनिस, लैक्स फोरी, लैक्स लोसी, लैक्स लिटिस। तो इसका आंसर है लैक्स फोरी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में या वर्ष 1999 में। इसका आंसर है वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में आईटी एक्ट बना, उसके बाद इविडेंस एक्ट में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है निश्चयात्मक प्रमाण से संबंधित प्रावधान है धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में या धारा 6 में। तो निश्चयात्मक प्रमाण कंक्लूसिव प्रूफ से संबंधित प्रावधान धारा 4 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जो तथ्य एक संव्यवहार के भाग हैं ये साक्ष्य अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, धारा 6, धारा 7, धारा 5 या धारा 9। इसका आंसर है धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है और धारा 6 को रेस जेस्टे का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है, देव मन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है, मृत्युकालिक घोषणा, रेस जेस्टे विशेषज्ञ की राय या
संस्वीकृति। तो ये जो चारों चीजें हैं वो श्रुति के साक्ष्य के अपवाद हैं, अर्थात इसमें जो क्वेश्चन पूछा अपवाद नहीं है, तो इसका ऐसा कोई भी चीज नहीं है चारों में से जो इसका हियरसी एविडेंस का एक्सेप्शन ना हो, अर्थात ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिवी धारित किया गया है? धारा 7, धारा 26, धारा 49 और धारा 11। आंसर है धारा 11। प्ली ऑफ एलिवी को बहुत अच्छे से याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है, धारा 11 में प्ली ऑफ एलिवी का प्रोविजन है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अवरक्षा में की गई संस्वीकृति असंगत है, ग्रहा है, अग्रहा है या सुसंगत है? तो पुलिस अवरक्षा में की गई संस्वीकृति अग्रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य ग्रहा नहीं है? शपथ पत्रों पर दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, विशेषज्ञ साक्ष्य? तो ऐसा साक्ष्य जो शपथ पत्रों पर दिया गया हो ऐसा साक्ष्य ग्रहा नहीं है। अगला है, अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं धारा 151 में, धारा 152 में, धारा 153 में, धारा 154 में? तो इसका आंसर है धारा 151 में अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पब्लिक ऑफिसर को शासकीय संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? जबकि वह समझता है इससे लोकहित की हानि होगी, जबकि वह समझता है इससे सरकार विपरीत परिस्थिति में होगी, जबकि वह समझता है कि इससे उससे स्वयं को हानि होगी, जबकि वह समझता है इससे विभाग की बदनामी होगी, जबकि वह समझता है कि इससे लोकहित की हानि होगी, तो वह पब्लिक ऑफिसर शासकीय संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रजिस्ट्रीकृत बिल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक है, कम से कम 1 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक है, किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होता, रजिस्ट्रार को बुलाना आवश्यक है? तो इसका आंसर है कम से कम 1 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है साक्ष्य को तोला जाए गिना ना जाए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में मुख्य रूप से सम्मिलित है? 132, 133, 123 और 134। धारा 134 में ये पता है बोला जाता है कि साक्ष्य को तोला जाए गिना ना जाए, हालांकि ये स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोविजन है वो इस बात को सिद्ध करता है कि साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है, महत्वपूर्ण साक्ष्य की संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, उपयुक्त सभी में? तो सूचक प्रश्न पूछा जाता है केवल प्रति परीक्षा में, ना तो मुख्य परीक्षा में ना ही पुनः परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में? धारा 153, धारा 159, धारा 158 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो स्मृति साक्ष्य का स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 में दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है? धारा 134, धारा 154, धारा 155 या धारा 157? आंसर है धारा 154, पक्षद्रोही साक्षी हॉस्टाइल विटनेस की बात करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 किस संबंध में अवधारणा का प्रावधान करती है? जीवन के संबंध में, मृत्यु के संबंध में, दीर्घायु के संबंध में या धर्मजत्व के संबंध में? तो इसका आंसर है जीवन के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध बच्चे के मातृत्व से हो, बच्चे के पितृत्व से हो, बच्चे के मातृत्व व पितृत्व से हो, बच्चे के मातृत्व पितृत्व दोनों से ही नहीं हो। तो बच्चे के पितृत्व से अगर धारा 112 लागू होगी जब विवाद का संबंध बच्चे के पितृत्व से हो। अगला क्वेश्चन, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा मौखिक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, अवलेखीय साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य? आंसर होगा मौखिक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में परीक्षाओं का क्रम मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा के बारे में बताया गया है? धारा 137, धारा 138, धारा 141 और धारा 144? तो आंसर है इसका धारा 138 में। अगला क्वेश्चन है, दांडिक कार्रवाइयों में सबूत का भार होता है अभियुक्त पर, अभियोजन पर, न्यायालय पर, तथ्यों और परिस्थितियों पर? तो दांडिक कार्रवाइयों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस दिन से प्रभावी हुआ? 15 मार्च 1872, 1 सितंबर 1872, 15 अगस्त 1872 या 15 सितंबर 1872? 1 सितंबर 1872। हम पहले भी आपको बता चुके कि कौन सा अधिनियम कब प्रभावी हुआ, कौन सा अधिनियम किस क्षेत्र में प्रभावी है, ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए और किस अधिनियम का कौन सा वर्ष है ये भी साथ में। तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 किस अधिनियम में निर्सित की गई? निरसन अधिनियम 1948, निरसन अधिनियम 1947,
निरसन अधिनियम 1938 या निरसन अधिनियम 1883। तो इसका आंसर है निरसन अधिनियम 1938। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन अधिनियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। भारत उपधारणा कर सकता है न्यायालय या असिद्ध। तो उपधारणा कर सकता है कि परिभाषा नहीं दी गई है। मे प्रज्योम की परिभाषा भारतीय शासन अधिनियम में नहीं दी गई है। कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है। 30 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष। तो 5 वर्ष पुराने रिकॉर्ड के बारे में वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है। अच्छा, कितने वर्ष पुराने दस्तावेज की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है, उसके भी यही चार ऑप्शन है आपके सामने। 30 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय शासन अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य का नियम को बताती है। धारा 95, धारा 96, धारा 97, धारा 98। तो इसका आंसर है धारा 95। अगला क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य शब्द से अभिप्राय है एवं इसमें सम्मिलित है कोई वस्तु जो अस्तित्व में है, केवल कोई मानसिक अवस्था जिसके प्रति कोई व्यक्ति सजग है, केवल कोई दृश्यमान वस्तु, कोई भौतिक वस्तु एवं दृश्यमान वस्तु था, इसमें कोई कथन भावनाएं राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित है। तो इसका आंसर है कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु, इसमें कोई कथन भावनाएं राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साक्ष्य अधिनियम में दी गई परिभाषा की में आता है। वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्याय का विच्छेद करता है, साक्षी का व्यवहार, स्थानीय निरीक्षण के दौरान सिविल व आपराधिक न्यायालय द्वारा बनाया गया ज्ञापन, किसी साक्षी द्वारा किया गया कोई कथन या न्यायालय के निरीक्षा प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज। तो इसका आंसर किसी साक्षी द्वारा किया गया कोई कथन और न्यायालय के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य की उपधारणा तर्क मानवीय अनुभव एवं प्रकृति की विधि पर आधारित है, विधि के प्रावधानों पर आधारित वह होती है जिसके न्यायालय अपेक्षा नहीं कर सकता कि स्थिति निश्चित एवं समरूप है। तो आंसर है तथ्य मानवीय अनुभव एवं प्रकृति की विधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है किसी बात या कार्रवाई में साक्ष्य दी जा सकती है केवल प्रत्येक विवादक तथ्य के अस्तित्व एवं अस्तित्व का, केवल प्रत्येक सुसंगत तथ्य के अस्तित्व एवं अस्तित्व का, प्रत्येक तत्व का जो किसी विवाद्य के सुसंगत तथ्य से जुड़ा है, प्रत्येक विवाद्य तत्व एवं ऐसे अन्य तत्व के अस्तित्व अनस्तित्व का जिसे साक्ष्य अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है प्रत्येक विवाद्य एवं सुसंगत तत्व के बारे में जिसमें जिसके बारे में अस्तित्व और अनस्तित्व के लिए सुसंगत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न यह है कि क्या आ ने बा को लूटा, निम्न में से कौन से विकल्प के अंतर्गत तथ्य सुसंगत होगा कि लूट के तुरंत पूर्व बा अपने साथ पैसे लेकर मेले में गया और उसने इसे किसी अन्य को दिखाया। धारा 6 साक्ष्य अधिनियम, धारा 7 साक्ष्य अधिनियम, धारा 9 साक्ष्य अधिनियम और धारा 11 साक्ष्य अधिनियम। धारा 7 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान आता है और धारा 7 साक्ष्य अधिनियम के जब आप दृष्टांत पढ़ेंगे तो आपको ये दृष्टांत उसमें पढ़ने को मिल जाएगा और इसलिए इसका आंसर हुआ धारा 7 साक्ष्य अधिनियम। अगला क्वेश्चन है पक्षकारों का आचरण सुसंगत होता है, धारा 10 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 8 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 9 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 12 साक्ष्य अधिनियम में। तो इसका आंसर है धारा 8 साक्ष्य अधिनियम में पक्षकारों का आचरण सुसंगत होगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रश्न यह है कि किसी अधिकार या प्रथा का अस्तित्व है या नहीं, तब किसी ऐसे संव्यवहार का अस्तित्व जिसके द्वारा इसका सृजन किया गया था दावा किया गया है सुसंगत होगा। धारा 13 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 48 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 32 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 11 साक्ष्य अधिनियम। तो इसका आंसर होगा धारा 13 साक्ष्य अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन संस्वीकृति के अंतर्गत आता है, जब अभियुक्त अपने रिश्तेदार द्वारा अपराध कारित करने की बात स्वीकार करता है, जब अभियुक्त स्वयं के द्वारा अपराध कारित को या उन तथ्यों को जो अपराध को गठित करते हैं स्वीकार करता है, जब अभियुक्त यह स्वीकार करता है कि उसकी सलाह पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया, जब अभियुक्त पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध करने का स्वीकार करता है। संस्वीकृति होती है जब अभियुक्त स्वयं के बारे में अपराध कारित किया, मतलब स्वयं द्वारा किए गए अपराध कारित को और उन तथ्यों को स्वीकार करता है, अर्थात इसका आंसर होगा सेकंड वाला। आ बा को कोई सिक्का जो कि कूटकृत है कपटपूर्वक प्रदान करने का अभियुक्त है, प्रश्न यह है कि क्या रुपए का प्रदान आकस्मिक था। यह तथ्य कि बा को प्रदान के तुरंत पूर्व या पश्चात आ ने सा दा ई को कूटकृत सिक्के प्रदान किए सुसंगत है, यह बताने के लिए बा को प्रदान आकस्मिक नहीं था। धारा 13 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 14 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 15 साक्ष्य अधिनियम में, धारा 12 साक्ष्य अधिनियम। तो इसका आंसर है धारा 15 साक्ष्य अधिनियम में। जैसे हमने इस वीडियो में साक्ष्य अधिनियम से संबंधित 60 सवाल देखे, 60 सवाल ही
60 क्वेश्चंस ही आपके लिए आएंगे जेएलओ के पेपर में, और ये विभिन्न पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से 2 से 3 बार देखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाता। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई संदेह लगता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा हमको ये भी बताइए। और आप किसी अन्य एग्जाम से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं, किसी एग्जाम्स के पेपर सॉल्व पाना चाहते हैं या और कोई स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए लॉ ज्ञान चैनल। धन्यवाद।